ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही उपाय, इसलिए हर क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर बनेगा। इस मुहिम के लिए गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मेथानी ने की अपील, सभी लोग करवाएं वैक्सीनेशन। आइए सुने क्या कहा सुरेंद्र मेथानी जी ने। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की तरफ से। कोरोना को लेकर के वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि निःशुल्क यह होने वाली वैक्सीनेशन के कार्य के लिए आप सब लोग इस 1 जुलाई के बाद एक योजना बनी है कि अपने अपनी सोसाइटी में, अपने अपने क्षेत्र में आप एक एप्लीकेशन लिख करके दीजिए। एक प्रोफार्मा है जो हमने अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के और जो भी लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको मैंने भेजा है। उस प्रोफार्मा को भरवा करके आप यदि स्थान देंगे, 2 कमरे का स्थान चाहिए, तो मेडिकल टीम आकर के आप सभी लोगों का वैक्सीनेशन करेगी, वैक्सीन लगाने का काम करेगी। पहली लहर बहुत खतरनाक थी, उससे ज़्यादा दूसरी लहर खतरनाक थी। तीसरी लहर की जो संभावनाओं की बात चल रही है उससे बचने के लिए हम सब लोगों को वैक्सीन अवश्य लगानी चाहिए। जिनके बच्चे 12 साल के हैं यानी वो अभिभावक श्रेणी में हैं, या जो दिव्यांगजन हैं उनको भी हम प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेशन का कार्य कराएं, वैक्सीन लगवाएं। और साथ में 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु के बीच के लोग अपना स्लॉट अलॉटमेंट इस 30 तारीख तक कराएंगे तो 30 के पहले भी वो लगवा सकते हैं। लेकिन जो 1 तारीख के बाद आपके क्षेत्र में जाकर के वैक्सीनेशन का काम होगा, वहाँ पर ये आयु वर्ग के लोग भी जो 18 से 45 के हैं, 45 से ऊपर के हैं, ये सारे लोग वहीं पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और अपना वैक्सीनेशन भी वहीं पर करा लेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि ये वैक्सीनेशन के काम को बहुत ही गंभीरता के साथ हम सब अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के और अपने देश के रक्षा के लिए हम सब स्वस्थ रहें, ये आवश्यक है। इसलिए वैक्सीनेशन का काम अवश्य करा लें। हम सब अपने पड़ोस और अपने मित्र यारों को भी प्रेरित करें कि हम लोग वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, वैक्सीन जरूर लगाएं। और आप अपने क्षेत्र में, अपनी सोसाइटी में, अपनी बस्ती में कोई स्कूल होगा, कोई 2 कमरे की जगह होगी, उसको लिख करके हमारे कार्यकर्ताओं को या सीएमओ महोदय को दीजिए, या हम हमारे कार्यालय तक भी पांडुनगर पहुंचाइए, या हम सब लोगों को बताइए, तो हम आपके यहाँ से कलेक्ट करा लेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन के कैंप को लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन अवश्य कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका प्रिय सुरेंद्र मेथानी, आपके आशीर्वाद के कारण विधायक गोविंद नगर विधानसभा कानपुर। यूट्यूब पर अभी हमारे चैनल बीपीए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।